और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री धामी ने वार्ड नंबर 215 शहदरा में भाजपा प्रत्याशी भरत गौतम जी के पक्ष में रोड शो किया। मुख्यमंत्री धामी को भाजपा उत्तराखंड के लोगों के बीच जाकर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने की कमान सौंपी गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एमसीडी चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज भी चुनाव प्रचार उन्होंने किया, तस्वीरें आप देख रहे हैं, शाहदरा के वार्ड से ये तस्वीरें हैं। कि 4 तारीख जल्दी से आए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, और उसी के लिए आज जहां भी हम लोग जा रहे हैं सड़कों पर लोगों का हुजूम आ रहा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर एमसीडी में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, वहीं केजरीवाल जी ने एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है, उनके मंत्री जेलों में बंद हैं और जेलों में बंद हवाला को लेकर भी हैं, उससे वो दिल्ली की जनता जहाँ देख रही है वहीं केजरीवाल जी भी पूरी तरह से चिंतित हैं कि कहीं उनका भी इसमें कोई मंत्री के जरिए कहीं कोई उन पर भी जो है नाम ना आए। वही मसूरी में झूलागढ़ शहीद स्थल के पास नगर पालिका की तरफ से निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, शहीद स्थल और रोपवे के बीच में हवाधर को तोड़कर कैफेटेरिया और म्यूजियम के नाम पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान शहीद स्थल पर बनी मूर्तियों से भी छेड़छाड़ की जा रही। शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने MDDA उपाध्यक्ष और देहरादून की DM को फोन किया। गणेश जोशी ने कहा कि अवैध निर्माण को फौरन ध्वस्त करना चाहिए। इस उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हुई उनकी प्रतिमाएं शहीद स्थल मसूरी झूलाघाट पे लगी हुई हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा शहीद स्थल के पास के हवाघर को तोड़ करके उस हवाघर के स्थान पर रेस्टोरेंट बनाने का कार्य किया जा रहा है, और वो रेस्टोरेंट एकदम शहीद स्थल से सटा हुआ है, शहीदों की मूर्तियों से भी ऊपर वो निर्माण कार्य प्रस्तावित है। एक व्यावसायिक निर्माण को उस स्थान पर नगर पालिका द्वारा किया जाना मसूरी के शहीदों का अपमान है। अब ये देखो, ये यहाँ पर एक शहीद स्थल है, झूलाघर बोलते हैं इसको, जहाँ पे कोई कुंतु यहाँ जेम रही हो, जहाँ पे शहीद स्थल नहीं है। यहाँ की भाई लॉज है कि वो उसके ऊपर जो है आप 3 मीटर से जो है ऊपर बना नहीं सकते हैं, सड़क से जो है ऊपर कुछ बना नहीं सकते हैं आप, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, दुकान बन रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। MDDA ने चालान करके अपनी इतिश्री कर दी और चालान करने के बाद भी काम हो रहा है, क्या है ये तरीका यार? उसको डिवोर्स करो ना, बात ये यही का सस्पेंशन क्या होता है यार? अब लोग ये कह रहे साहब सरकार हमारी तंत्र हमारा, अब सर भैया इसके नहीं गलत हो तो बेटा एक्शन करो ना उस पर, जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 है और मैदानी इलाकों में 10 छात्र संख्या वाले स्कूल बंद होंगे। प्रदेश में ऐसे करीब 3,000 स्कूल है जहाँ बच्चों की संख्या बेहद कम है। देखिए, पूर्व में भी हमारे कई स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे छात्र संख्या कम थी और उनको अगल बगल के स्कूलों में बच्चों को स्थानांतरित किया गया था, और इस वर्ष जैसे हमारी छात्र संख्या में वृद्धि हुई है, कई ऐसे हमारे विद्यालय हैं जो दोबारा खुले हैं, उसी तरह से हम लोग वर्तमान की व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जहाँ छात्र संख्या कम है उनको बगल के विद्यालय में स्थानांतरित करेंगे, और अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो पुनः दोबारा उन स्कूलों को खोला जाएगा। इधर विधानसभा का शीतकालीन सत्र समय से पहले खत्म होने पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की मंशा सदन चलाने की थी ही नहीं। बिजनेस के 5 दिन का सत्र आपने आहूत क्यों किया? सरकार ने बिजनेस क्यों नहीं लाई? क्यों आप अनुपूरक बजट लेके आए जब आपका टोटल जो पिछला बजट पास हुआ था उसका आपने 60% पैसा खर्च किया था, उसके बाद भी आप अनुपूरक बजट लेके आए, तो 5 दिन के विधानसभा सत्र के लिए आपको बिजनेस भी लेके आना चाहिए था। इन्हीं विधेयकों की अगर प्रतियां बांट दी गई होती और उनमें चर्चा कराई गई होती तो ये सत्र 5 दिन छोड़िए 10 दिन भी चल सकता था।
इधर सरकार ये कह रही है कि ये सत्र काफी ऐतिहासिक रहा है क्योंकि इसमें दो बड़े फैसले लिए गए हैं, मगर कांग्रेस सत्र समय से पहले खत्म होने पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, इनके झूठ को भी मानना पड़ेगा। 7 दिन के सत्र को 2 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, ये ऐतिहासिक नहीं तो क्या रहा? महिला आरक्षण में इन्होंने कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं, ये तो पहले से विद्यमान था, यहाँ पहले से दिया जा रहा था। केवल हाईकोर्ट में एक रिट पढ़ने के बाद कुछ गड़बड़ हुई थी और आज ये सदन में केवल विधेयक लाए, तो पहले भी तो था विधेयक। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, लक्सर में ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए कल चुनाव होंगे। 21 ग्राम पंचायतों में 41 पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव होगा। 41 पदों पर चुनाव के लिए मैदान में 92 उम्मीदवार हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा के लिहाज से 140 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। तो 41 पदों पर चुनाव के लिए 92 उम्मीदवार मैदान में। उत्तराखंड में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनने जा रहा है। धामी सरकार के फैसलों का संतों ने स्वागत किया। मैं अत्यंत आनंदित और आह्लादित हूं, पूरा संत समाज और भारत में एक विशेष प्रकार का उत्साह है आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सत्प्रयास का। उत्तराखंड की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, धर्मांतरण के लिए एक बड़ा कठोर वह कानून लेकर आई है। किसी धर्म और संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता है। धार्मिक पहचान का परिवर्तन अर्थात अपने आप का परिवर्तन है। जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित करके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे समाज सुरक्षित रहेगा, समाज की स्वतंत्रता और सम्मान सुरक्षित रहेगा। और फिर किसी को छल से, बल से या कोई दल से इस तरह के काम करे, ये कुछ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो उत्तराखंड के मदरसों के लिए सरकार की गाइडलाइंस मदरसों में लागू होगी। एनसीसी, एनएसएस और स्काउट। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान, मदरसों में भी स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग बच्चे लेंगे। और मदरसों के लिए प्रदेश सरकार ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट है कि बच्चों को एनसीसी से भी जोड़ना है, बच्चों को एनएसएस से भी जोड़ना है, बच्चों को रोवर्स रेंजर से भी जोड़ना है, बच्चों को स्काउट गाइड से भी जोड़ना है, बच्चों को रेड क्रॉस संस्थाओं से भी जोड़ना है और बच्चों को सामाजिक बोध से भी जोड़ना है। तो हमने तय किया है कि जितने सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, जितने हमारे संस्कृत स्कूल हैं, जितने हमारे मदरसे हैं, अल्पसंख्यक स्कूल हैं, इन सब जगह सारी चीज़ें, चाहे एनएसएस के प्रोग्राम हों, चाहे एनसीसी के हों, चाहे रोबर्ट्स रेंजर्स के हों, चाहे स्काउट गाइड के हों, और मुझे लगता है कि वहाँ के बच्चे भी चाहते हैं। वही मदरसों में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड कोर्स और ड्रेस कोड लागू करने के फैसले का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, सरकार को इस ओर ध्यान भी देना। बयानबाजी ही सरकार कब तक करेगी? 5 साल ये 2017 से 2022 तक सत्ता में रहे, आपको ये भी इनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आपने इस 5 साल में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या कदम आपने उठाए थे। तो 10 दिसंबर को देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी और पासिंग आउट परेड में 344 जेंटलमैन कैडेट्स सेना का हिस्सा बनेंगे। इनमें मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी शामिल हैं। मित्र देशों से नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, श्रीलंका के कैडेट्स शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख मनोज पांडे परेड की सलामी लेंगे। गैरसैंण तहसील मुख्यालय पर अभी भी काफी पद खाली पड़े हैं, जिसे लेकर लोगों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर ज्ञापन चस्पा कर दिया है। लोगों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी होने पर भी यहां अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं, जिससे लोगों को जरूरी काम करवाने में काफी परेशानी होती है। डेढ़ वर्ष से उप जिलाधिकारी का पद रिक्त है, यहाँ पर उप जिलाधिकारी की नियुक्ति तो है, लेकिन यहाँ के उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग तहसील में बैठते हैं, क्योंकि उनका कर्णप्रयाग इंचार्ज है, वो कर्णप्रयाग में बैठ रहे हैं और इस कारण गैरसैंण तहसील में तहसीलदार भी विगत 2 साल से खाली पद खाली है। वही लक्सर में 3 अधिकारियों पर घोटाले को लेकर मामला दर्ज हुआ है। मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में खेतों में पाइपलाइन लगाने पर काम चल रहा है। आरोप है कि पाइपलाइन डालने में बड़ा घोटाला हुआ है।
लक्सर कोतवाली में घोटाले को लेकर मामला दर्ज किया गया। और अब बात करेंगे प्रदेश में हुई चीनी चोरी की। तो इकबालपुर शुगर मिल के गोदामों से करोड़ों रुपए की चीनी चोरी हो गई है। सरकार के निर्देशों के बाद डीएम खुद मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। इकबालपुर शुगर मिल के चीनी गोदाम से चीनी चोरी से हड़कंप मचा हुआ है। सरकार के एक्शन के बाद हरिद्वार के डीएम इकबालपुर शुगर मिल पहुंचे और गोदाम का निरीक्षण किया। डीएम का कहना है कि गोदाम में रखी बोरियों की जांच की जा रही है। किसानों की तरफ से ये भी शिकायत मिली और पूर्व में मेरे द्वारा भी माननीय हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था और ये मेरे द्वारा भी आशंका व्यक्त की गई थी कि जितना स्टॉक शो किया जा रहा है उतना संभवता है नहीं। और बाद में किसानों की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट्स हुई, फिर गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश किया कि इनकी जो भी गोडाउन से यहाँ बंद हैं उसकी एक बार ही रिकाउंटिंग करा लेना उचित होगा। दरअसल कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि गोदाम में उतनी चीनी नहीं है जितनी चीनी गोदाम में बताई जा रही थी। हरिद्वार के इकबालपुर शुगर मिल में करोड़ों की चीनी चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से जांच कराने के साथ साथ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे की निगरानी में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में पता चलेगा आखिरकार कितनी चोरी की गई है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि करीब 9 करोड़ की चीनी चोरी कर ली गई है। सभी गोदामों में काउंटिंग का दौर जारी है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में पता चलेगा कि आखिरकार चोरी के पीछे कौन लोग हैं। गड़बड़ी की जांच के लिए प्रशासन फिर से चीनी की बोरियों की काउंटिंग करा रहा है। चूंकि एक एक बोरे बड़े ही बेतरतीब ढंग से रखे हैं, तो एक एक बोरों को उतार के उनकी काउंटिंग की जा रही है। इट विल टेक 3 या 4 डेज। जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि स्टॉक में कितना शो किया गया था और कितना उसमें शॉर्टफॉल है। शुगर मिल के गोदाम में चीनी की चोरी के मामले को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दिए हैं। कुछ वहाँ के किसान भाइयों के द्वारा हमको ये अवगत करवाया गया था, उनकी कोई शंकाएं थी कि इकबालपुर चीनी मिल में जो हमारी शुगर वहाँ पर गोदामों में थी वो चोरी हुई है और कितने वैल्यू की हुई है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ये शिकायत हमारे पास आई थी। तो हमारे सचिव द्वारा एक चिट्ठी डीएम हरिद्वार को लिखी गई कि इसकी गोदामों की जांच कराई जाए। तो अगर इस तरीके का प्रकरण वहाँ पर हुआ है कि गोदामों से इल्लीगल तरीके से वहाँ पर चोरियाँ हुई हैं बोरी की, चीनी की बोरी की, तो बहुत ही निंदनीय है और मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। गोदाम से करीब 9 करोड़ रुपए की चीनी चोरी होने की बात कही जा रही है। जांच के बाद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, मगर बड़ा सवाल ये है कि जब गोदाम बंद था तो उससे चीनी चुराई किसने। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगे हरिद्वार और रुद्रपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। गुरुवार को हरिद्वार में प्रशासन की टीम ने पुराना आरटीओ चौक से लेकर भारत माता मंदिर तक सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। उधर रुद्रपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये कार्रवाई हुई उस वक्त की तस्वीरें। हरिद्वार में जो अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला, तो वहीं रुद्रपुर में प्रशासन को लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।